गाइड्स, अंजलिस रेसिपी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तेलंगाना स्पेशल अरसेलू रेसिपी बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं। ये चावल नए हैं, नए ही यूज़ करने हैं। इससे अरसेलू बहुत ही अच्छे बनते हैं, कुरकुरे भी बनते हैं। मैंने ये चावल बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चावल पूरे पानी में से नीचे दिख रहे हैं। आपको तब तक धोना है जब तक चावल अच्छे से दिख रहे हैं। 5-6 बार आपको धो लेना है और 2400 घंटे के लिए इसको भिगोने के लिए रख देना है ढक्कन लगाकर। और बीच बीच में 7-7 घंटे के बाद उसको आपको पानी चेंज करना है धो के। तो चलिए 24 आवर्स हो चुके हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे चावल भीग के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सफ़ेद आए हैं चावल, बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने बीच बीच में उसको धोकर पानी चेंज किया था। पानी चेंज करने से स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए अभी हम एक छलनी लेते हैं और छलनी पर कपड़ा डालकर उस पर चावल निकाल लेते हैं, जो कि इस चावलों को मैंने 5-6 बार अभी भी धोकर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके आपको चावल निकाल लेना है। जब तक चावल में से पानी निकल जाता है तब तक हम आपको इंग्रेडिएंट दिखाते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चावल के लिए 1 kg गुड़ लिया है, घी, तिल और इलायची। चाहे तो आप पॉपी सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमको गुड़ को काट लेना है, ऐसे पील करके लेना है। देख सकते हैं आप चाकू से करें या फिर आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा छील लिया है गुड़ को। अभी मैं इसमें 1/2 लीटर यानी 1 ग्लास वाटर डाल रही हूँ। वाटर डालने से गुड़ पिघल जाता है। जब तक गिरनी से आटा आता है तब तक गुड़ भिगो कर रखना है और इसका लिक्विड तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया मिक्स करके अभी हम इसको ढक्कन लगा कर रख देते हैं। तो चलिए, चक्की से आटा लेकर आई हूँ और गुड़ भी पिघल चुका है। अभी देख सकते हैं आप कैसे अच्छे से पिघल चुका है गुड़। अभी हम आटे को छान लेते हैं, छानना ज़रूरी है। अच्छी तरह से आटे को छान लेना है। आटे को छानने के बाद हमको चाशनी को भी छान लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं छानने के बाद इसे अच्छे से दबा कर रखना है। ये ठंडे ही होने चाहिए, चावल का आटा सूखना नहीं चाहिए। ये देखिए, मुट्ठी में लिए तो मुट्ठी बंद करने के बाद ऐसा इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बहुत अच्छे से थपथपा कर रखना है आपको। तब तक मैंने यहाँ पर चाशनी को छान लिया है और गैस ऑन कर दिया है। अभी देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा गुड़ बचा था नीचे। अगर आप कस्तूरी गुड़ लेते हैं तो उसमें ज़रा भी मिट्टी या कचरा नहीं रहता है, आपको छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ही बढ़िया है ये गुड़।
यहाँ पर देख सकते हैं कैसे उबाल आ रहा है। और अभी 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है। अभी मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ कि चाशनी कैसी बनी है। आपको चाशनी बनने तक 2-3 बार चेक करते रहना है। और गैस को मीडियम हीट पर ही रखना है। अभी तो थोड़ी देर बाकी है, अभी नहीं बनी है चाशनी। देख सकते हैं गुड़ पिघल रहा है। तो चलिए और एक 10 मिनट पका लेते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, बहुत बढ़िया। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं कि कैसे बनी है चाशनी। दोस्तों अभी थोड़ी कसर बाकी है और एक 5 मिनट इसे हमको पकाना है। देखिए और कलर निखरता आ रहा है इसका, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। हमने गैस को थोड़ा स्लो किया है। अभी मैं और चेक कर रही हूँ कि चाशनी कैसे बनी है। मैं आपको पूरी मेथड बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। और ऐसे नीचे मारने से उसमें से साउंड आना चाहिए, टक टक। ये देखिए अभी मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अभी हम इसमें घी भी ऐड कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। गैस को भी ऑफ कर दिया है मैंने। अभी हम मिश्रण को नीचे उतार लेते हैं। फ्रेंड्स एक हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ और एक हाथ से आटा डाल रही हूँ। अगर आपके घर में कोई मदद करने वाला है तो आप मिक्स करिए और उनको आटा डालने के लिए उनकी हेल्प ले सकते हैं। इससे जल्दी जल्दी काम बन जाता है। मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे दोनों काम अकेले ही करना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे, मैं जरा भी गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। आपको पूरी मेथड मैं बता चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। आप मेरे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पूरे टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आपके अनार से खराब न हो जाए। थोड़ा थोड़ा आटा डालकर अच्छे से मिश्रण बना लेना है। आप ध्यान रखिए गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, मेहनत तो बहुत ही लगती है फ्रेंड्स। देखिए कितना कलर बढ़िया आ रहा है। पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। बहुत सुंदर। 1.5 किलो चावल लिए थे तो उसके लिए 1 केजी गुड़ बहुत होता है। अगर इसमें से कोई आटा बच जाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा आटा कितना बचा है। मैंने जो आपको मेजरमेंट आए हैं वो तो परफेक्ट मेजरमेंट है।
बहुत ही बढ़िया अरसलू बनते हैं। इससे संक्रांति का त्यौहार आता है तब सबसे पहले अरसलू ही बनाते हैं दोस्तों, और तेलंगाना में इसको बहुत पसंद किया जाता है, बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद है ये। देख सकते हैं आप, थोड़ा आटा और लगा था मैंने, अभी थोड़ा डाल दिया है, अभी थोड़ा सा ही बचा है मेरा। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, कितना बढ़िया बनकर रेडी हो चुका है अरसलू का आटा। तेलुगु में इसे अरसलू बोलते हैं और मराठी हिंदी में अनारसे बोलते हैं। किसी को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों नाम बता चुकी हूँ, मराठी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी हो चुकी है। जो बचा घी था ऊपर से मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, आटा मिक्स हो जाने के बाद उसके ऊपर से घी डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आटा न सूख जाए। ऊपर से घी या ऑयल डालने से आटा बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली का ऑयल आपको यूज़ करना है। और ये देखिए कितना सुंदर पेड़ा बना है, अभी गर्म है, ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा टाइट डो बनता है ये। अभी हम इसे ढक ले। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, आप देख सकते हैं, उसका अभी मैं पेड़ा बनाऊंगी। जो गुड़ और चावल के आटे का हमने मिश्रण तैयार किया था वही मैं लेकर उसके पेड़े बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसी तरह का पेड़ा बनाना है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल सिसमी सीड्स लिए हैं, उसमें डुबो कर लेना है आपको। और एक कवर लेना है प्लास्टिक का, उस पर ऐसे आपको हाथों से प्रेस करना है, ऑयल लगा लेना है पहले थोड़ा हाथ को भी, और अच्छी तरह से प्रेस करना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा जाड़ा भी नहीं रखना है, मीडियम बनाना है आपको। अभी हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम करने के लिए रखा था मैंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी अरसलू इसमें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल अरसलू के ऊपर डाल देना है, इससे अनारसा जल्दी फूल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। तो चलिए, यह बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उस पर मैंने एक छलनी रख दी है, उसी छलनी पर हम अभी अनारसा रखकर उसको ऊपर से प्लेट रखकर प्रेस करेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। यहाँ पर मैंने एक ही दिखाया है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए। यहाँ पर देखिए हमने सारे डीप फ्राई कर लिए हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।